पंचायत चुनाव में तरह तरह का नजारा और तस्वीरें देखने को मिल रही है। कई जगहों पर निर्विरोध सरपंच चुना गए हैं, लेकिन एक पंचायत ऐसी है जहां ढाई ढाई साल के लिए दो सरपंच चुने गए हैं, यानी दोनों प्रत्याशी पंचायत में ढाई ढाई साल राज करेंगे। पूरा मामला धरमजयगढ़ ब्लॉक अंतर्गत दर्रीढ़ी पंचायत का है। जानकारी के मुताबिक दर्रीढ़ी पंचायत में सरपंच पद के लिए दो उम्मीदवार पूर्व सरपंच जोगिंदर एक्का और गुड्डू राम मांझी खड़े हुए थे, जिसके बाद गांव के ग्रामीणों के आपसी सहमति के बाद ढाई ढाई साल के लिए कार्यकाल करार किया गया है। इसका ग्रामीणों के सामने दोनों उम्मीदवारों ने एफिडेविट भी करवाया है। इसके बाद आमापाली सेक्टर 7 में उपस्थित होकर उक्त करार के अनुसार गुड्डू मांझी ने चुनाव से नाम वापस ले लिया। वहीं पूर्व सरपंच व प्रत्याशी जोगिंदर एका ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों की आपसी सहमति को हमने अपनी सहमति माना है। गांववासी भी यही चाह रहे थे, क्योंकि उनके नजर में हम दोनों ही सरपंच पद के लिए लायक हैं। वही नाम वापस लेने वाले गुड्डू मांझी ने बताया कि मैंने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। मुझे ऐसा लगा था कि गांव में विकास की रफ्तार धीमी हो गई है, यही सोच के साथ मैंने सरपंच पद का पर्चा भरा था, लेकिन ग्रामवासियों की आपसी सहमति से मैंने नाम वापस ले लिया। अब दोनों का ढाई ढाई साल का कार्यकाल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ग्राम पंचायत दर्रीढ़ी का 5 साल का कार्यकाल दो भागों में किस तरह संचालित होगा, गाँव के विकास की धारा क्या रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग को, मेरे को और गुड्डू भाई को, तुम लोग दोनों पंचायत को ठीक से चलाओ बोले गांव वाले, बढ़िया से विकास करो बोले हैं, और इस हिसाब से हम लोग दोनों मिलजुल के चलाने का फैसला किए हैं और गांव वाले भी सहमत गए हैं। विकास जो शासन से आएगा, चाहे हम लोग लाएंगे काम।